फिर से आपका F3 पे स्वागत करती हूँ। चॉकलेट खाना किसे नहीं पसंद, और बच्चों की तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट होती है। तो चलिए आज बनाते हैं चॉकलेट जो बहुत ही सिंपल और क्विक है। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैंने एक बाउल डार्क चॉकलेट ली है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं ताकि ये आसानी से मेल्ट हो जाए। अब हम इसे मेल्ट करेंगे। एक वेसल में मैंने पानी डाला है और उसके ऊपर एक दूसरा बर्तन रखा हुआ है जिसमें हमारी चॉकलेट मेल्ट होगी। चॉकलेट को हमें डायरेक्टली गैस पे मेल्ट नहीं करना, आप इसे माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं या फिर ये डबल बॉयलर मेथड से। ध्यान रखिएगा कि जो वेसल में आप चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो उसमें ज़रा भी पानी ना हो, नहीं तो हमारी चॉकलेट ख़राब हो सकती है। तो देखिए हमारी चॉकलेट कैसे मेल्ट हो रही है। इसे अच्छे से मेल्ट करेंगे। चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसे नीचे उतार लेते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे एंड देन उसे हम अपने मोल्ड्स में डालेंगे। चॉकलेट पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मोल्ड्स में डालते हैं। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं तो मैं अपनी चॉकलेट में डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अगर आपको प्लेन पसंद है तो आप प्लेन भी रख सकते हैं। चलिए मिक्स हो गई है। मेरे पास ये मोल्ड है और अब मैं इसे अपने मोल्ड में डालूंगी। अब एक स्क्रैपर की मदद से हम ये एक्स्ट्रा चॉकलेट्स निकाल लेंगे। मोल्ड में चॉकलेट जा चुकी है और अब इसे हम डालेंगे फ्रीजर में कम से कम 5 मिनट्स के लिए। तो चलिए इसे हम फ्रीजर में रख देते हैं। बस मोर 5 मिनट्स एंड आवर चॉकलेट्स आर रेडी टू ईट। आई जस्ट कांट वेट। तो चलिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी चॉकलेट्स भी रेडी हो चुकी है। लवली, हमारी चॉकलेट्स रेडी हो चुकी है। अब हम इसे मोल्ड से उतारेंगे। हमारी यम्मी चॉकलेट्स आर रेडी। हमारी चॉकलेट्स रेडी हो चुकी हैं। आप अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट ध्यान रहे जब चॉकलेट मेल्ट कर रहे हो तो आप ही उसे मेल्ट कीजिएगा। बिकॉज सेफ्टी इज सेम एज ABC, ऑलवेज बी केयरफुल। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप अपने सजेशंस एंड कमेंट्स हमारे ईमेल एड्रेस पर जरूर सेंड कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी झटपट रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए एंजॉय योरसेल्फ।